तो आपकी करामतों में से एक करामत यह होगी कि आपके लिए आसमान से निदाएं आएंगी। आपके इमाम शरीफ में एक फरिश्ता होगा, उसमें से पुकारेगा कि अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी इताअत करो। आपकी करामतों में से एक करामत यह भी है कि जब आप मक्का मुकरमा से निकलेंगे अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में एक हसनी से आपकी मुलाकात होगी, एक हसनी बुजुर्ग से, और वो करामत देखने का शौक जाहिर करेंगे तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम करामत जाहिर फरमाएंगे, परिंदे को इशारा फरमाएंगे तो आपके हाथ में आके बैठ जाएगा, बीज ज़मीन में डालकर उस पर मिट्टी डालेंगे तो उसी वक्त सेकेंड्स में उसमें से पौधा भी निकलेगा और उस पर पत्ते भी लग जाएंगे। बड़े बड़े शहरों को सिर्फ तहलील और तकबीर के नारों से फतह फरमा देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर जैसे कलिमात के जिक्र से बड़े बड़े शहरों को आप फतह फरमा देंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की करामतों में से बहुत बड़ी करामत यह भी होगी कि ताबूत सकीना और ताबूत सकीना में मौजूद पूरे तबर्रुकात, तौरात शरीफ की तख्तियाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिंबर शरीफ, और मन्ना व सलवा जिन बर्तनों में नाज़िल होते थे वो बर्तन, हुल्ले आदम अलैहिस्सलाम, इस तरह के कई तबर्रुकात जो ताबूत सकीना में महफूज हैं, जो हज़ारों साल से पोशीदा हैं, आप उसको निकाल के ज़ाहिर फरमा देंगे। ये आपकी इतनी बड़ी करामत होगी कि तौरात शरीफ जब आप लाकर यहूदियों को दिखाएंगे तो वक्त वाहिद में 30,000 यहूदी मुसलमान हो जाएंगे। आपके दौर में माल दौलत की खूब खूब फरावानी होगी जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई थी। ज़मीन खूब खेतियाँ उगलेगी, आसमान खूब बारिशें बरसाएगा, माल दौलत की हद तक फरावानी होगी कि आप के दौर में कोई गरीब आदमी बाकी नहीं रहेगा।